मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष मीरा भायंदर के श्री अंकुश मानुष के हिसाब से भी यही अनुरोध करता हूँ, आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। इसी के साथ में हमारे नसीब से नेपाली समाज के नेपाल के पूर्व सांसद वर्धमान काठमांडू उपत्य के कांग्रेस के सभापति यहाँ अमेरिका से यहाँ पधारे हुए, उनको भी आसन करने की मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। एक टाइम एक दफा फेरी मीरा भायंदर कांग्रेस आएगी मेरा अध्यक्ष को लागे ताली बोले स्वागत कर दो विनम्र आदर कर दो ताली अजय भय नेपाली ताली भय नहीं हो। धन्यवाद धन्यवाद। शांति राखिदिनु होला। शांति देश नेपालका शांति दिवाजी हो। शहर आए कांग्रेस के लड़ने नेता श्री मुजफ्फर साहब हामीले यो ध्यान राख्नुपर्ने एउटा कुरो छ कि आउँदो अक्टोबरमा हुने आमदारको चुनावको समयमा हजुरहरूले बराबर ध्यान राखिदिनु होला। भोट कहाँ डालु त्यहाँ छ हात, हातलाई कहिले नै भुल्नुहोला, हातमा भोट दिनुहोला भन्ने विनम्र अनुरोध हो। यसैको साथमा हाम्रो लाल्ने नेते श्री मुजफ्फर हुसैन यहाँ नेपाली जनसंसदको तर्फ से सभी नेपालीहरूको तर्फ से हमारे एमबी बोर साहब के हस्ते वहाँ का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हूँ। उनका सोचा हुआ काम भी माता नौ दुर्गा शिव शंभु भोलानाथ ने आगामी आने दिनों में अत्यधिक बहुमसीबी जीतेगा ये आशीर्वाद देते हैं। हम सुबह आशीर्वाद मांग रहे हैं हमारे लाडले नेता से, शायद कुछ भी तो लाया होगा। साल साल में बोलते हैं हे जटाधारी आजा तू मीरा भायंदर में, कहाँ है तेरी जटा, एक जटाधारी के लिए छोटा सा धोखा चाहिए। अब सुनर शब्दों में हमें आशीर्वाद देने के लिए कुछ खिसे से लाने के लिए हमारे लाडले नेताओं से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमें संबोधन करिए। नेपाली जनसंपर्क समिति पश्चिम भारत क्षेत्र अंतर्गत आज का ये समारोह इस मंच पे उपस्थित आदरणीय मदन बहादुर अमत्य साहब, आपके सभी के लाडले देवी सिंह जी, एमबी बोरा जी, तेजेंद्र मल्ला जी, जनक डकाल साहब, प्रेमराज डकाल, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंकुश मालूसरे, लीलाताई पाटिल, विकास मात्रे, सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही में अंकुश मालूसरे जी ने जो अभी यहां पे बताया, देवी सिंह जी, पशुपतिनाथ जी का भव्य मंदिर इस शहर में भी बनना चाहिए, ये बन के रहेगा जब तक कि दुर्गा जी और देवी सिंह जी जैसे लोग आपके आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमको इनकी लाठी से करना पड़ेगा, कुकरी से करना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो ये हमको कुकरी लगाएंगे और ये नहीं लगाएंगे तो पशुपतिनाथ जी हमको पक्का लगाएंगे। मालूसरे जी आपने जो बोल दिया है वो आपको करना पड़ेगा, उन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि मैं चुन के आऊंगा तो पशुपतिनाथ का मंदिर बनेगा। किसने कहा? किसने कहा? मालूसरे जी ने। किसने कहा? देखो रिकॉर्डिंग हो गई है,
हर साल बहुत बढ़िया आपका ये सम्मेलन कार्यक्रम होता है, पारिवारिक कार्यक्रम होता है, और जब यहाँ आते हैं और विशेषता जब देखते हैं कि बहनें और बच्चे जो है बड़ी तादाद में होते हैं। देवी सिंह जी, आपको और आपके सभी पदाधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूँ। सब चीज पैसे से नहीं होती, ये आपका प्रेम और स्नेह है जो सबको एक इकट्ठा बांध के रखता है। वरना अपने गांव से, नेपाल से यहाँ आने के बाद में मुंबई जैसे शहर में अपने समाज को संगठित करके बांध के रखना ये छोटा काम नहीं है, ये पैसे देने के बाद भी नहीं हो सकता है। तो ये आपका लगन है, ये आपका प्रेम अपने समाज और अपने लोगों के लिए है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को भी फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नेपाल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।